गुड मॉर्निंग एवरीवन, हम लोग पढ़ते हैं ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। उसमें हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, देख रहे थे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, देख रहे थे जिसमें हम लोग बेसिक से समझे थे थोड़े से फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के बारे में। आज हम उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम लोग उसका सोल्यूशन करते हैं। कोई भी वस्तु का प्रोजेक्शन हम लोग, कोई भी वस्तु का, कोई सी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग प्रोजेक्शन कैसे करते हैं। मान लो सबसे पहले उसको बताने से पहले एक सिंपल एग्जाम्पल हमको देते हैं। किसी भी वस्तु का प्रोजेक्शन करने से पहले करते हैं, तब आप जो डस्टर को देख रहे हैं तो कौन दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार, जैसे एक दो तीन चार आप सामने से देख रहे हैं। तो प्रोजेक्शन जब हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, कोना मतलब करते हैं आगे बढ़ा देते हैं, जो एक नंबर कोना होगा उसको आगे बढ़ा देंगे, पॉइंट आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पर दिखा देंगे पॉइंट कर देंगे, फिर इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे, रेड दिखा देंगे यहाँ बढ़ा देंगे, फिर नीचे वाला तीसरा पॉइंट है उसको भी आगे बढ़ा देंगे, यहाँ बढ़ा देंगे, फिर यहाँ पर बढ़ जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये इसका क्या बन जाएगा मेरा, आपस में करते हैं ज्वाइन करते हैं। हम बोलेंगे डस्टर का प्रोजेक्शन है कौन सा, फ्रंट व्यू प्रोजेक्शन, ठीक है, क्या है फ्रंट व्यू। अब इसी डस्टर को जब हम ऊपर से देखेंगे तो हम क्या दिखाई देगा, एक चार कोना दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार, क्या दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार कोना दिखाई दे रहा है, बस इसी को ऊपर से नीचे में देखेंगे चार कोना दिखाई दे रहा है, एक दो तीन चार, ठीक है, चार कोना आपस में जोड़ देंगे। ये मेरा जो हो जाएगा क्या जाएगा, टॉप व्यू, जो ऊपर से क्या बनेगा मेरा टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा मेरा टॉप व्यू बन जाएगा, ठीक है। एक होता है साइड व्यू, साइड व्यू हम इस तरफ जाते हैं, इस तरफ से जाते हैं, इस तरफ से इसको भी करेंगे, इस तरफ तो जाएंगे क्या बनेगा, चार पॉइंट बढ़ेगा, आगे क्या नाम निकलेगा, फिर इसके बैक साइड निकलेगा, फिर इसकी साइड निकलेगा, फिर इसकी साइड निकलेगा, फिर क्या इसको आपस में जोड़ने के लिए साइड व्यू बनेगा, साइड व्यू प्रोजेक्शन बनेगा, ठीक है। इसी तरह इसमें आने से पहले अब हमको देखते हैं सवाल, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करना है, मतलब फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल उसको क्या बनाना है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाने से पहले सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, ठीक है, यहाँ यहाँ, ठीक है, इसे हम लोग लाइन क्या कर लेंगे खींच लेंगे, ठीक है, सीधा सीधा लाइन खींचेंगे, 90 डिग्री कट जाए, ठीक है। उसको देखो इस वस्तु को, ये क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का करना है हमको प्रोजेक्शन करना है, किसमें करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करना है, फर्स्ट एंगल में क्या है इसको प्रोजेक्शन करना है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन करना है। हम लोग जानते हैं कि प्रोजेक्शन करने के तीन व्यू होते हैं, कौन व्यू होता है, पहला आता है फ्रंट व्यू होता है, टॉप व्यू होता है, कोई बस ऊपर से देखेंगे बोलेंगे टॉप व्यू, ठीक है, सामने से देखेंगे तो जैसे आप उसको देख रहे थे क्या फ्रंट व्यू, और साइड से मान लीजिए इधर से जाके मान लीजिए उस तरफ जाके आप हमको देखिएगा तो बोलेंगे उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड व्यू, या साइड व्यू बोलेंगे या राइट साइड हैंड व्यू, इस तरफ जाएंगे तो बोलेंगे साइड व्यू, इस तरफ भी जाकर हम देखेंगे तो बोलेंगे उसको साइड व्यू। मान लीजिए वस्तु को हमको करना है इसको ये भी करते हैं, ठीक है, या साइड साइड, ठीक है, दो क्या करना है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट क्या करना है आपको, और जो लॉटरी प्रोजेक्शन आता है इसको प्रोजेक्शन करना है, क्या करना है प्रोजेक्शन करना है, आप लोग कौन पढ़ना है सामने से देखेंगे वस्तु क्या दिखेगा, तो ये चीज दिखाई देगा, तो ये दिखाई देगा, 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 ठीक है। जब ये कोण है एक दो तीन चार पांच छह कोण दिखाई देगा, ठीक है, कह रहे हैं कोण है, क्या करना है इसको सिर्फ आगे से बढ़ाते हैं, इस पॉइंट के रहेंगे यहाँ से, इस पॉइंट के रहेंगे यहाँ से, हाँ इस तरह की ओर बढ़ा देंगे, इस तरह से यहाँ ले जाएंगे, इस तरह यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, इस तरह से आएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा तो पीछे की ओर इस कोना को, पीछे की ओर यहाँ से इसको
मेरा क्या होगा फ्रंट व्यू, क्या बना गया मेरा फ्रंट व्यू बन गया। साइड से देखना तो मेरा एक कोना काम रहा है, इसको यहां पर आगे इसको नीचे पीछे का दिखाई देता है आपको, धीरे धीरे इसका काम रहा है यहां पर आया, ठीक है। फिर साइड में जाएगा तो आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरा ये बन जाएगा मेरा फ्रंट व्यू, क्या बन गया मेरा फ्रंट व्यू बन गया। अब ऊपर से देखेंगे, चलो जब हम लोग ऊपर से देखेंगे तब तो छह बातें कह रहे हैं, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार पांच छह, छह दिखाई देगा, ठीक है। क्या करेंगे इसको टॉप व्यू बनाएंगे, टॉप व्यू ऊपर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो देखेंगे लाइन मशीन बाहर से बना देंगे, क्या करेंगे आगे से बना देंगे, इसको क्या करेंगे पुनः क्या करेंगे आगे से बना देंगे, ठीक है। सब आएगा किसी पैर में, किसी पैर में यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे जो पॉइंट है मेरा इसको ऐसे बनाएंगे, जो मिडिल पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर इधर आएंगे, इसको ऐसे ये मेरा बन जाएगा ना, टॉप जो मेरा बना क्या बनाएगा टॉप, टॉप भी बना, ठीक है। क्या बना बना टॉप, टॉप क्या बात है फर्स्ट का पोजीशन था हमेशा नीचे पे बना था, टॉप भी इसी बना, जस्ट सेम सेम बना दिया, टॉप भी बन गया बना। और इंटर पे बनाएगा हमेशा राइट साइड पर 90 डिग्री इधर रोटेट करेगा, 90 डिग्री इधर रोटेट करता है कि नीचे क्यों रहता है अपना जो हेडर से सामने जो देखता है वो ऊपर नीचे रहता है, और जो मेरा साइड में होता है यहां पर बनता है, ठीक है। अब देखें हम लोग साइड से देखेंगे, साइड से देखेंगे इस वस्तु को, देखना नहीं इस तरफ से जाएंगे, इस तरफ से जाएंगे यहां से देखेंगे, जिसे हम लोग साइड व्यू बनाएंगे, इसको भी उस पॉइंट बनाएंगे, इसी तरह से टू सेम बनेगा यहां पर, थोड़ा सा क्या हो जाएगा फॉरवर्ड बनाएंगे, थोड़ा सा साफ दिखाई देगा आपको, इसी तरह से पॉइंट बनाएंगे, इसको भी एंगल बनाएंगे, इसको भी एंगल बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से बनाएंगे तो मेरा एक जो मिडिल पॉइंट इंटरसेक्शन क्या कर रहा है बस उसको यहां पे ऐसे से मिल लेगा, मेरे यहाँ नीचे मिडिल पॉइंट है वो इसमें कट जाएगा, ये मेरा बन जाएगा क्या जाएगा साइड व्यू, देखो साइड व्यू इस तरह तो बन गया मेरा, सेम टू सेम क्या हो गया साइड व्यू बन गया। इस तरह से हम लोग फर्स्ट एंगल पोजीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं पोजीशन करते हैं, पोजीशन करते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री पे जब हम घुमाए इसको 90 डिग्री पे घुमाया तो मेरा ओरिजिन पे क्या गया नीचे की ओर आ गया, तो यहां से यहां पर था, यहां पर कहां गया नीचे की ओर आ गया, और वर्टिकल प्लेन में क्या था जस्ट ऊपर होता है जस्ट जो 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है, वर्टिकल प्लेन ऊपर गिराएगा तो साइड व्यू है इस तरह का, इस तरह भी रहता है। इसलिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में मेरा टॉप भी कहां लगता है नीचे, फ्रंट व्यू यहां पे साइड में, और मेरा साइड व्यू यहां पर इस तरह बनता है, इस तरह टॉप व्यू हमेशा क्या बनेगा नीचे में बनेगा, और फ्रंट व्यू हमेशा ऊपर में और साइड व्यू ऊपर बनेगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग अगले क्लास में थर्ड एंगल पोजीशन के बारे में बेसिक चीज हम लोग